उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4403 नए मामले आए सामने, जबकि 77 और मरीजों की हुई मौत। यूपी सरकार अब हिंदी के साथ ही संस्कृत में भी जारी करेगी सूचनाएं, संस्कृत में जारी हुआ रविवार को पहला प्रेस नोट। ऑपरेशन दुराचारी से पहले एंटी रोमियो स्क्वाइड लाई थी योगी सरकार, फिर भी महिलाओं के क्राइम को लेकर यूपी नंबर वन। मेरठ में चलती बस में महिला से पूरी रात गैंगरेप, बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंका। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की रीढ़ की हड्डी टूटी, गांव में पीएसी तैनात, एसपी बोले बिटिया को दिया जा रहा बेस्ट मेडिकल केयर। हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप पर मायावती बोली यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। महोबा में शराबी पिता ने गला दबाकर दो बच्चों को उतारा मौत के घाट। अयोध्या में ट्रक से भिड़ी रोडवेज बस, एक युवक की मौत, 10 घायल। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आए नशे के सौदागर, दो मेडिकल संचालकों समेत चार को किया गिरफ्तार, लाखों रुपयों के नशीले इंजेक्शन और टैबलेट बरामद। बैडमिंटन प्लेयर निकला लुटेरा, जिससे लूटा माल उसी को बेचने पहुंच गए थे आरोपी, पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में 8 माह पहले की थी लूट। प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित पोस्टर लगाए जाने पर सपा नेता संदीप यादव समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। माफिया मुबारक खान के मकान पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, 5 करोड़ की संपत्ति जमींदोज। साइबर ट्रक बेखौफ, कानपुर पूर्वी के एसपी के नाम से बनाई फेक आईडी, फिर दोस्तों से मांगे पैसे। तिहाड़ जेल में बंद को क्या सुनील राजू के 3 मकान कुर्क, बागपत जेल में की थी मुन्ना बजरंगी की हत्या। किसान बिल को लेकर विपक्ष के रुख पर भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा माहौल खराब कर रहा विपक्ष। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने अपराध गोष्ठी में पुलिस कर्मियों को दिए कड़े निर्देश। कानपुर में प्रधान ने कोरोना से प्रभावित व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए किया रक्तदान। संभल के थाना नखासा क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने किया फ्लैग मार्च, फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।